रांची में होने वाले महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी जोरों पर है। आज शनिवार अपर मुख्य सचिव ने मोरहाबादी स्थित मरंग गुम के जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान सचिव पर्यटन खेल कूद युवा विभाग DIG रांची उपायुक्त वरीय पुलिस अधीक्षक उप विकास आयुक्त नगर आयुक्त CDSP सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। अपर मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार सिंह ने प्रतियोगिता को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लेते हुए संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हॉकी इंडिया के पदाधिकारी से प्रतियोगिता के लिए की जा रही तैयारी की बारीकी से जानकारी ली। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले टीम के खिलाड़ियों के रिचार्जिंग रूम, स्टेडियम के बाहर हो रहे जीर्णोद्धार कार्य आदि का भी उन्होंने जायजा लिया। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलने वाले महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, मलेशिया और थाईलैंड की टीमें हिस्सा ले रही हैं। उन स्तरों को ध्यान में रखकर के उनकी तैयारियाँ की जा रही हैं ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा ना खिलाड़ियों को हो, न देखने वालों को हो, न खेल के आयोजक जो हमारे लोग आएंगे बाहर से उनको। कब तक ये सारी चीज़ें मुकम्मल कर लीजिए? अधिकतम एक सप्ताह के अंदर रेडी रहे मैच से पहले जाएंगे और टीम जो आना शुरू हो जाएगी 22 तारीख से। हॉकी चैंपियनशिप का जो आयोजन 27 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में रांची में हो रहा है, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि झारखंड स्टेट इसमें होस्ट कर रहा है चैंपियनशिप को और इस इंटरनेशनल टूर्नामेंट को। हॉकी हमारे झारखंड राज्य में ऑलरेडी बहुत ही लोकप्रिय गेम है महिलाओं के बीच में, पुरुषों के बीच में, और ये बहुत ही एक फॉर्चुनेट मूवमेंट हमारे लिए कि हम इसको होस्ट कर रहे हैं। इसमें एक्चुअली जो सारी व्यवस्थाएँ हैं प्रोटेक्शन से रिलेटेड, उसके लिए काफ़ी डिटेल प्लानिंग की गई है, जिसमें एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों की जो 6 टीम है इंटरनेशनल टीम, जापान, चाइना, साउथ कोरिया, थाईलैंड, इंडिया, इन सभी टीम्स के आगमन को लेकर के और जिन भी होटल्स में उनके रहने की व्यवस्था है वहाँ तक उनको रूट लाइनिंग को क्लियर करना, सुरक्षित उनको ले जाना, इसके अलावा जो मोरहाबादी में जो हमारा हॉकी स्टेडियम है यहाँ तक उनको लाना, प्रैक्टिस ग्राउंड तक उनको ले जाना और सारी मैचेस के दौरान में जो दर्शक आएंगे उनकी एंट्री सुरक्षित तरीके से एंट्री कराना, उनके पार्किंग की व्यवस्था करना, खिलाड़ियों के लिए नोडल ऑफिसर बना करके और उनके एस्कॉर्ट और पायलट की व्यवस्था करना, इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी डिटेल सुरक्षा के इंतजाम पर बातचीत हो रही है और रांची पुलिस और रांची प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि ये गेम बहुत ही अच्छे से हो, कोई भी असुविधा ना तो खिलाड़ियों को हो, ना ही जनता को हो और लोग इसका आनंद लें।